Yes, good morning, students. As you know, elections are approaching in our state on 20th February, and even in Uttar Pradesh, elections have already been conducted in first phase. First phase का मतलब होता है जब अलग अलग phases में elections करवाए जाते हैं, एक ही state में अलग अलग district में elections करवाए जाते हैं, ठीक है? So, the turnout का मतलब क्या होता है? Total number of percentage. अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज इज ओनली 60%, 60% ऑफ द होल स्टेट. इसका मतलब क्या है? अभी भी 30% जो है दे आर नॉट अवेयर. व्हाई दे आर नॉट अवेयर? बिकॉज वोटिंग डजंट मेक एनी डिफरेंस टू देम. उनके लिए वोटिंग का कोई डिफरेंस, उनके लिए कोई वोटिंग का फर्क नहीं है, क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि उनके वोट करने या ना करने से गवर्नमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट ऐसा नहीं होता. सिंगल वोट कैन बी गेम चेंजर. एक अकेला वोट जो है वो पूरी की पूरी गेम को चेंज कर सकता है. और उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब होता है कि इट डजंट मीन कि आपको ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, कैंडिडेट्स कौन से हैं, उनका सिंबल कौन सा है. बट सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है, एक सिटीजन्स को वोटिंग की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए. बिकॉज मैनी पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ. यानी कि हमारी कंट्री में even all over the world many people they have sacrificed their life to get right to vote. ab ye right to vote itna costly itna kimti kaise hai? aapne usa even aapne south africa aur even rise of hitler jab aapne chapter padha hai usme aapne ye padha, at that time many people they were not given right to vote. like in our country we were given right to vote after independence. we were under the control of britishers for more than 300 years. And it was very difficult at that time to get right to vote. Then we got right to vote, but at that time age was 21 year. Yani ki right to voting ki jo age thi 21 years thi. Aur kahi countries mein right to vote mila bhi, lekin unki age only for men. Theek hai? And many women in our country and all over the world they struggle for right to vote. Clear? To sabse pehle aapko ye clear hona chahiye ki voting jo hai, voting ki importance kya hoti hai. Theek hai? Elections. आपका जो चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन. हाँ जी धैर्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन? हाँ जी बेटा, ओके. इलेक्शन, यस, इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म. मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. सेकंड थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. अर्लियर इन मेनी कंट्रीज बैलेट पेपर वाज यूज्ड, बट नाउअडेज इन आवर कंट्री और इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर यूजिंग ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. अवेयरनेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शंस किस डेट को है. तो हमें पता है कि पंजाब में इलेक्शंस कब हो रहे हैं, 20th February. सेकेंड इज विच पोलिटिकल पार्टीज आर कंटेस्टिंग. कंटेस्टिंग या मतलब है कि कौन कौन सी पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स कौन से. नाउअडेज यू कैन सी मेनी टाइम्स लीडर्स आर कमिंग डोर टू डोर कन्विंसिंग इज देयर. ठीक है, एक प्रॉपर पूरी प्रॉपर स्ट्रीट जो है, ठीक है, लोगों के घरों में उन्होंने फ्लैग्स लगाए हैं अपनी अपनी पार्टीज के, सिम्बल्स लगाए हुए. ठीक है, तो आपको हर पार्टी का सिम्बल, यानी कि पोलिटिकल पार्टीज के नेम, पोलिटिकल पार्टीज के सिम्बल, उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए. अवेयरनेस. सपोज एक पर्सन ने, सिटीजन जो भी है, उसने वोटिंग करनी है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती. थर्ड, उनका वोटर कार्ड. सपोज एक ऐसा पर्सन है जो 18 ईयर अब हो गया है लेकिन उसका वोटर कार्ड नहीं है, तो उसका राइट टू वोट, उसको जो इतना कॉस्टली राइट टू वोट मिला है, इट्स ऑफ नो यूज. वोटर कार्ड अपडेशन. इसका मतलब क्या है कि उनको अपना वोटर कार्ड अपडेट करवाना चाहिए. अगर हाउस एड्रेस चेंज हुआ है तो उसको चेंज करवाना चाहिए. कोई भी नेम की प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बिकॉज वो आपका एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, उसको अपडेट करवाना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे वोटिंग करने जानी है, पोलिंग बूथ. ऐसा ना हो कि जिस दिन आप वोटिंग करने जा रहे हो, जहां पे आप गए हो वहां वोटिंग करने गए लेकिन आपको आपका वहां पे नेम ही नहीं, और आपको ये पता लगा कि आप इस एरिया का सेंटर कहीं और बना है. तो इसकी अवेयरनेस भी सिटीजन्स को पहले ही होनी चाहिए कि आप जहाँ पे वोटिंग करने जाते हो आपका सेंटर कहाँ पे है, आपकी स्ट्रीट या आपके हाउस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका नियर बाय सेंटर कहाँ पे है, वहां पे होगी. आजकल तो गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने इतनी ज्यादा प्रोविजन दे दी है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आउट ऑफ कंट्री है वो अपना पोस्टल बैलेट भी दे सकता है.
पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है, वो भी तो सिटीजन है, वो अलग बात है कि उसको कंट्री से बाहर जाना पड़े, ठीक है, लेकिन वो भी पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना वोट जो है वो दे सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस पर्पस के लिए या मेडिकल रीजंस के लिए, बहुत से ऐसे हमारी कंट्री के सिटीजंस हैं जो कि कंट्री से बाहर हैं, उन लोगों का राइट टू वोट जो है वो वेस्ट ना जाए, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, पोस्टल बैलेट। इवन जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं या फिर जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है वो सेंटर्स में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने प्रोविजन करवाई है, ठीक है। या फिर ऐसे जो ओल्डेस्ट पीपल हैं जो घरों से नहीं आ सकते, उनके लिए प्रॉपर इलेक्शन कमीशन क्या जो है अरेंज करवाते हैं, व्हील चेयर्स, इवन उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं, प्रॉपर आपको नंबर्स दिए जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर। अगर आप ये कहते हो कि आई वॉन्ट टू गिव माई वोट बट आई कांट कम ड्यू टू सम रीजंस, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रोविजंस करवाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक राइट टू वोट के लिए, ठीक है, आपका जो एक राइट टू वोट है उसके लिए गवर्नमेंट हर तरफ से एफर्ट करती है कि आपका जो है वो वोट की वैल्यू, वोट की वैल्यू का मतलब होता है उसको काउंट किया जाए। इवन आप सिटीजन्स के लिए एक और प्रोविजन है, नोटा, NOTA, इसका मतलब है कि आप आओ, घर से आओ, सेंटर में जाओ, वहां पे ईवीएम पे नोटा जो प्रेस है उसको करो। इट मीन्स आप यहाँ पे आए हो लेकिन आप इन पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को भी कैपेबल नहीं समझते हो, तो आप वो भी प्रेस कर सकते हो। इट मीन्स वो भी आपका काउंट होगा, वो भी आपका 60% पे ही काउंट होगा, ठीक है। इट मीन्स अभी भी हमारी कंट्री में 30% जो लोग हैं, हम तो उनको इलिटरेट ही कहेंगे कि जो लोग वोटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों को वोटिंग राइट का इंपॉर्टेंस नहीं पता। आज आप 9th क्लास में हो, आज आपकी जो एज वोटिंग के लिए नहीं है, लेकिन कल को जब भी आपकी एज वोटिंग की होगी उस टाइम पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंस जो है इलेक्शन डे, यानी कि जिस दिन वोटिंग डे होगा, आपकी इम्पोर्टेंस क्या होगी कि आप वोटिंग करने जाओगे उसके लिए रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब है आपका वोटर कार्ड आपके पास होना चाहिए, पोलिंग बूथ, नियरेस्ट पोलिंग बूथ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे आपका वोट काउंट होगा। थर्ड, आप वोटिंग करने गए लेकिन प्रिपेयर ही नहीं हो, वहां पे आपको किसी ने कह दिया अच्छा इसको घर से आप कुछ और सोचा, वहां पे आपने वोट चेंज कर दिया, उसका कोई यूज नहीं है। आपने जिसको भी वोट करना है इलेक्शन मैनिफेस्टो को अच्छी तरह से रीड करो, उनकी पॉलिसीज को रीड करो, उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है उसको, उसके लिए भी प्रेपरेशन, जैसे आप एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन करते हो, वोटिंग के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ जी हमारे पूरे कॉलोनी में इनको वोट की जा रही है तो हम भी उनको वोट करें, ठीक है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हाँ जी ये लीडर स्मार्ट है, देखने में बहुत अच्छा है तो इसको वोट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका वर्क, जो उन्होंने काम करवाया है, उनकी कैपेबिलिटीज जो है उनको देखना पड़ता। सो ऑल दीज फीचर्स और ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वोटर्स अवेयरनेस इन आर कंट्री। और वोटर अवेयरनेस में आजकल सबसे ज्यादा जो ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेंड है वो किसका ट्रेंड है कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड में मनी एंड मसल पावर का बहुत यूज किया जाता है, ऑनेस्ट लीडर्स की कमी है, ठीक है। और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ईवीएम में अगर 25 या 30 लीडर्स के नेम है, क्या ये मनी के बेसिस के ऊपर, मसल पावर के बेसिस के ऊपर इलेक्शन जीत रहे हैं, या इनमें से कोई ऑनेस्ट भी है। और लास्ट का मतलब होता है कि पिछले 5 साल में वो अगर आपके MLAs या MPs थे, क्या उन्होंने कुछ करवाया आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में, आपकी कंट्री में। और अगर कुछ भी नहीं किया, आज आपके घरों में वोटिंग करने के लिए आए हैं लेकिन 5 साल के बाद आपको भूल गए हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी भी आपको उसके लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है आपका वोटिंग राइट। ये बहुत कॉस्टली है और आपको नहीं पता कि इसके लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया हमारी कंट्री को रिपब्लिक बनाने में, सॉवरन बनाने में, सेकुलर बनाने में। और आज अगर हम इंडिपेंडेंस ज्वाइन इंजॉय कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ दीज पीपल। सो वोटिंग डे, जिस दिन भी वोटिंग डे होगा, आप स्टूडेंट हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स वोटिंग करने जाएंगे, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपको जाना चाहिए। आप वहां का एनवायरमेंट देखो, ठीक है, आप ये देखो कि वो वोटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज, क्योंकि ये आपका चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जितना आप इसको देखोगे, प्रैक्टिकल आप इसको देखोगे, उतना ही और अच्छी तरह से आप इन आंसर्स को लिख सकते हो, ठीक है। और 20th February को आपने जो भी आपका नियरेस्ट पोलिंग सेंटर है, अपने पेरेंट्स के साथ वहां पे जाओगे, मे बी आपको रूम में एंटर नहीं करने देंगे, लेकिन आप वहां का एनवायरमेंट देखोगे, कैसे रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे होते हैं ऑब्जर्व करोगे, साइड पे कैसे कैबिन होता है उसको प्रॉपर ब्लैक कलर से कवर किया जाता है। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स से ये पूछोगे कि आप किसको वोट कर रहे हो, कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हो, लीडर का नेम क्या। फिर आपने ये भी अपने पेरेंट्स से पूछना है कि अगर आप उनको वोट कर रहे हो तो लास्ट 5 ईयर्स में आपने उनकी कौन सी कैपेबिलिटीज को जज किया,
ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि आपके पेरेंट्स वोटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे देन यू विल बी द क्या होगे वोटर्स. नाउ यू आर नॉट अ वोटर, अभी आप वोटर नहीं हो, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शंस में नेक्स्ट जो एमएलए आपने इलेक्ट करना है उस टाइम पीरियड में आपकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है. क्लियर, इज इट राइट? थैंक यू. Yes, students. Now I'm going to discuss our chapter, that is Rise of Hitler and Nazism. Hanji bachche. Yesterday we have discussed with you problems of Weimar Republic. In this question, you have to write how many problems? 4 or 5 according to marks. Okay. First problem is of Treaty of Versailles. Second is of economic crisis. Third, depression. Depression was started from US and the effect of depression can be seen in Germany. Year of depression 1929. What was the reason of depression? Because in USA share market collapse. Share market collapse का मतलब क्या होता है? US banks face loss. जब banks को loss face हुआ तो US banks ने अपनी government यानी कि US government को इस चीज के लिए convince किया कि उन्होंने foreign countries को जितनी भी money loan में दी हुई है उसको वापस लेना शुरू कर दिया. हाँ जी, और उसके बाद क्या किया यूएस गवर्नमेंट ने, बाकी सभी कंट्री जिनको लोन दिए हुए थे उनको एक डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेट असाइन कर देना कि उस डेट से पहले पहले सभी कंट्रीज जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है कि सारी की सारी जो अमाउंट जो उन्होंने दी थी उसको वापस कर देना. अब सभी कंट्रीज जो है जितनी भी कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, ठीक है, उनको टेंशन हो गई और वो जिसे हम कहते हैं मनी कलेक्ट करने में लग गए. और ऐसे में सबसे ज्यादा जो है वो लॉस किसको फेस करना पड़ा? ऑलरेडी डिफीटेड कंट्री, क्योंकि हम इसमें सिर्फ जर्मनी को ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, जर्मनी ने फिर क्या किया, अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, उनको सेल किया और दूसरी कंट्रीज यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि एमएनसी आकर प्रोजेक्ट लगाती है कंट्री में, तो बाई एनी वे का मतलब होता है कि मनी कलेक्ट करने के लिए, यूएसए को मनी देने के लिए, वापस देने के लिए मनी को कलेक्ट करना शुरू कर दिया. अब मनी को यूएसए को देना है तो कंट्री के अंदर मनी की कमी हो गई. कंट्री के अंदर मनी की कमी हुई तो सबसे ब्लास्ट जो है वो कौन से ईयर में हुआ? 1932 एक ऐसा इंपॉर्टेंट ईयर था जिस ईयर में ना एम्प्लॉयमेंट थी, ना एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ, और इस पर्टिकुलर ईयर में लोगों ने वाइमर रिपब्लिक से अपना सपोर्ट बिल्कुल ले लिया. और नो डाउट कंट्री में इलेक्शन साइड बाय साइड हो रहे थे. तो जब 1932 में इलेक्शंस हुए, 1932 में सबसे मैक्सिमम परसेंटेज जो वोटिंग जो है वो कौन सी पार्टी को मिली? नाजी पार्टी. ठीक है, नाजी पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस या जो भी उनकी पॉलिसीज थी वो लोगों को पसंद आई, और ये हम आगे करेंगे कि कैसे नाजी पार्टी ने लोगों को कन्विंस किया. लेकिन हमने सिर्फ यहाँ तक बताना है डिप्रेशन, कि डिप्रेशन का इफेक्ट जो है वो वाइमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम्स, वाइमर के लिए प्रॉब्लम कैसे लेकर आए ये. इसके बाद फिर हम लास्ट पॉइंट जो है दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में आपने क्या बताना है? इनहेरेंट डिफेक्ट्स. इसमें आपने बताना है आर्टिकल 48. ये आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक राइट अ नोट ऑन डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. अब कई बच्चे पता क्या कर देंगे, वो वाइमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम लिख देंगे.
वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। सपोज मैंने आपसे पूछा कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेक्ट्स बताओ, आप क्या बता दोगे कि वाइमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम क्या है? ट्रिटी ऑफ वर्सायल, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो रॉन्ग हो जाएगा। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में आपने क्या बताना है? नंबर वन, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा आर्टिकल था जिस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, बच्चे नो प्लीज, जिस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कभी भी कंट्री में इमरजेंसी लगाकर लोगों के राइट्स को सस्पेंड कर देते, ठीक है। और इस आर्टिकल का इतना लिबरल या मिस यूज किया गया 1914 से लेकर 1930 तक, दिस आर्टिकल, दिस इमरजेंसी वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स। एंड ऐसी कंट्री में जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पे बार बार लोगों को इमरजेंसी लगाकर तंग किया जाए, उनके राइट्स ले लिए जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनसे वापस ले लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली लोग फिर क्या करेंगे? दे विल क्रिप और वाइमर रिपब्लिक को अपोज करेंगे। बट दे वर नॉट गिवन राइट टू अपोज आल्सो, तो दैट्स व्हाई पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द राइट दिस वाइमर रिपब्लिक। नंबर वन, आर्टिकल 48। अगर मैं आपसे वन मार्क में पूछूं, व्हाट यू मीन बाय आर्टिकल 48, क्या था आर्टिकल 48 इन जर्मनी? दिस आर्टिकल गेव अनलिमिटेड पावर्स टू प्रेसिडेंट और द जर्मन गवर्नमेंट टू इम्पोज एमरजेंसी, एंड बाय यूजिंग दिस आर्टिकल राइट्स वर सस्पेंडेड। कौन से राइट्स? सिविल राइट्स। जैसे हमारे राइट्स होते हैं, हमारे पास अब क्या राइट है? सिटीजन्स के पास क्या राइट है? वी कैन मूव एनीवेयर, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। वी हैव अ राइट टू चूज एनी ऑक्यूपेशन, वी हैव अ राइट टू चूज, वी हैव अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। लेकिन जिस टाइम पीरियड में कंट्री में इमरजेंसी लग जाती है, उस टाइम पीरियड में लोगों के राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे आप सब बच्चों ने कोविड के टाइम पीरियड में जब कर्फ्यू लगा था तो आपको घरों में बैठना पड़ा, तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या होती है? काइंड ऑफ इमरजेंसी होती है, वो हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, वो आपकी हेल्थ के लिए ऐसी इमरजेंसी लगाई थी। ऐसा ही जर्मनी में जब सेवरल टाइम्स इमरजेंसी वॉज इम्पोर्ट, दैट्स वाई पीपल दे अपोज वाइमर रिपब्लिक। सेकेंड मेन प्रॉब्लम क्या थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की? कोलिजन गवर्नमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब कंट्री में इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में कोई एक पार्टी नहीं थी, स्मॉल पार्टीज वर देयर, एंड इन दीज स्मॉल पार्टीज दे कंटेस्ट इलेक्शंस। लेकिन इन इलेक्शंस में किसी एक पार्टी को नंबर ऑफ सीट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बन पाई। तो उस टाइम पीरियड में मेनी स्मॉल पार्टीज दे ज्वाइन हैंड्स, मिली जुली सरकार जिसको कहते हैं, एंड दे फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट। इस कोलिजन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जब भी किसी कंट्री में कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? अलायंस बनता है, तो क्या होता है? लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग एंड क्लैशिंग विद ईच अदर, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। और जब आपस में ही लड़ेंगे तो कंट्री को क्या संभालेंगे? ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, डिप्रेशन को झेल चुकी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों का वाइमर रिपब्लिक, यानी कि उसका जो आर्टिकल 48 है, उसको अपोज किया। एंड थर्ड था कोलिजन गवर्नमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कभी भी एक मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है वो कभी नहीं बन पाई, दिस वॉज द मेन रीजन। ये सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन इज विच वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक। अपने माइंड में ना हेडिंग्स, नंबर वन कौन सा आएगा? ट्रिटी ऑफ वर्सायल। नंबर टू इकोनॉमिक क्राइसिस। नंबर थ्री डिप्रेशन। नंबर फोर वॉर गिल्ट क्लॉज, नवंबर क्रिमिनल। एंड नंबर फिफ्थ आर्टिकल 48 या फिर डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। हेडिंग्स तो बच्चे बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन इसका सिर्फ मिलेगा आपको वन मार्क। अब आपने क्या करना है? इनको आगे एक्सप्लेन करना है इन थ्री और फोर लाइन्स। लेकिन आपको सेपरेट भी ये सारे पॉइंट्स अलग से आ सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए उनके फोर और फाइव पॉइंट्स को माइंड में रखो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर, राइज ऑफ हिटलर या पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर। हाउ हिटलर बिकेम पॉपुलर, हाउ नाजी पार्टी बिकेम पॉपुलर। नाजी पार्टी, हिटलर, दोनों की पॉपुलैरिटी के रीजन सेम ही है, क्योंकि हिटलर ने ही नाजी पार्टी को बनाया। अब हमें बैकग्राउंड थोड़ी सी बतानी है कि हिटलर के पावर में आने का, हिटलर की एंट्री जर्मनी में हुई, उसके कुछ पीछे के रीजंस क्या थे, कैसे हिटलर पावर में आया, कैसे हिटलर पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और कैसे हिटलर को लोगों ने पसंद किया। इसमें बिल्कुल भी आप नेगेटिव नहीं बताओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता था कि हिटलर जो है वो इतना क्रूअल जो है वो डिक्टेटर बन के दिखाएगा। तो पिछले पॉइंट्स को आप लोगे। अब सपोज आपको ये इसका आंसर देना है कि हिटलर की पॉपुलैरिटी कैसे हुई, या नाज़िज़्म कैसे पॉपुलर बना, या नाजी पार्टी कैसे एग्जिस्टेंस में आई। तो सबसे पहले आपने नंबर वन बताना है इसका रीजन क्या था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। फर्स्ट आपका हेडिंग का आएगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हमने सेम उन्हीं हेडिंग्स, मैटर वही लेना है, लेकिन थोड़ा सा हेडिंग को मोल्ड कर दोगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने बताना है कि हिटलर पावर में इसलिए आया क्योंकि लोगों का वाइमर रिपब्लिक से
कॉन्फिडेंस या फेथ जो है वो खत्म हो गया था। ऑलरेडी कंट्री में क्या थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिखकर आपने क्या बताना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहती है। अब नंबर माइंड में याद रखो कितने बार चेंज हुई, 20 टाइम्स, 1918 से लेकर 1928 तक 20 टाइम्स। 20 टाइम्स का मतलब होता है, देखा जाए अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होगी ना, लेकिन उनके तो 20 टाइम्स, यानी कि 2 साल के बाद फिर इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन हो रहे हैं, पता नहीं कितनी बार इलेक्शन हुए, कितने बार डेप्यूटीज मिनिस्टर चेंज हुए, कितने बार प्रेजिडेंट चेंज हुए। और ऐसे में जब कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव ही चेंज होते रहेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, वो आंसरेबल नहीं बनेंगे। इसमें हमने क्या बताना है, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द जर्मनी एंड गवर्नमेंट वॉज चेंज 20 टाइम्स, दिस लीड टू यू कैन से लॉस द कॉन्फिडेंस, लॉस द फेथ अमंग द माइंड ऑफ जर्मन पीपल। इससे क्या हुआ, जर्मन लोगों के माइंड में प्राइमरी पब्लिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो फेथ था वो खत्म हो गया, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू चेंज गवर्नमेंट पैटर्न भी, वो कुछ और पैटर्न चाहते थे, उनका ये मानना था कि पैटर्न चेंज होना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट बार बार चेंज हो जाती है तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट, लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे आने वाला टाइम उनके लिए कितना स्केरी होगा। ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आपने क्या बताना है, गवर्नमेंट चेंज मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हुए। ठीक है, एंड पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स दे वर नॉट आंसरेबल, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, और लगातार चेंज होते रहेंगे तो कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, उसको पता कि मैंने 2 साल रहना, पता नहीं 3 साल रहना, तो वो कंट्री को डेवलप नहीं करेंगे। और एट दैट टाइम पीपल लॉस द कॉन्फिडेंस अमंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड में आपने पिछला ही जो मैटर है इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशन को क्लब कर दो, सेकंड पॉइंट आप ये बना दो दैट इन कंट्री पॉवर्टी, सारे इकोनॉमिक रीजंस बता दो दैट पीपल दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी थी, एंड डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज टोटली नेग्लेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे रीजंस आपने बता देने हैं, ड्यू टू दिस मेनी पीपल दे लीड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, बहुत से लोग क्रिमिनल जो है वो बन गए, राइज इन प्राइसेस, सारा पिछला जो मैटर आपने किया ना इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन उसको इस सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो आप, यानी कि आपने बताना है वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन, कंट्री की कंडीशन सबसे वर्स्ट थी, पॉलिटिकल कंडीशन भी वर्स्ट थी और इकोनॉमिक कंडीशन भी वर्स्ट थी, और दिस वाज अ रीजन व्हाई एट दैट टाइम व्हेन पीपल दे रेड द मैनिफेस्टो ऑफ नाजी पार्टी एंड दे हर्ड द स्पीचेस ऑफ हिटलर देन दे बिकेम वेरी इंस्पायर्ड। And at that time we can say that Nazi party की importance या Nazi party की popularity जो है वो गुरपाल से properly, clear? इसके बाद third point में अब हमने Hitler के बारे में बताना है, इसका क्या बताओगे, political career, childhood और सारा उसकी जो entry है politics वो हमने बतानी है, तो उसका एक heading आप दे दोगे political career of Hitler। political career में सबसे पहले आप बताओगे उनका birth कब हुआ, 1889 year याद रखो, 1 mark question। In which year Hitler, the birth of Hitler took place? 1889. Place का name Austria. बाद में Austria और Germany को combine कर लिया, ठीक है? And he, you can say was very poor, extreme poverty में उसका childhood जो है उन्होंने spend किया. He spent his childhood in extreme poverty. And later on he joined army. उन्होंने join की army. And First World War में he was a soldier. यानी कि जिस टाइम पीरियड में कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई वो एक जर्मन सोल्जर थे, मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, जो एक एरिया से दूसरे एरिया में मैसेजेस देते हैं, मैसेंजर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर डिफीटिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी डिफीट हो गया, इसका सबसे ज्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ा इनके माइंड में, और उसके बाद जब इन्होंने सुना ट्रीटी ऑफ वर्साय के बारे में, उसके बाद तो इनको और ज्यादा हुआ कि जर्मनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल में प्राइमरी रिपब्लिक ने जर्मनी को क्या कर दिया, झुका दिया। And now he wanted to retaliate. Retaliate का मतलब होता है बदला लेना चाहते थे किन से, विनर कंट्री से, और वो डेमोक्रेट्स के भी अगेंस्ट। शुरू से ही हिटलर के माइंड में डेमोक्रेट्स के लिए एक हेट थी, उनको लगता था कि डेमोक्रेट्स होने के कारण इन्होंने अपनी कंट्री को झुका दिया है, एंड सेकेंड थिंग जो विनर कंट्रीज थी उनसे वो रिटेलिएट करना चाहता था। लेकिन वो उस टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि एक सोल्जर था तो कुछ ना कर सका, वॉर खत्म हो गई, देन ही ज्वाइन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ज्वाइन की, कौन सी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है, तो उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, जर्मन वर्कर्स पार्टी, वर्कर्स की पार्टी थी, छोटी सी पार्टी थी। लेकिन इसमें हिटलर ने इतनी लीड का मतलब होता है इतनी लीडरशिप क्वालिटीज थी कि उनको देकर उनको पार्टी का क्या बना दिया गया, लीडर बना दिया गया। जब इनको पार्टी का लीडर बनाया गया तो उन्होंने पार्टी का नेम रीनेम किया, क्या किया,
नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट, दो वर्ड इसके आगे लगा दिए। बाद में यही पार्टी क्या बन गई? नाजी पार्टी। बाद में इसी को चेंज कर दिया नाजी पार्टी, नाजी वैल्यूज, नाजी टीचिंग्स, नाजी आइडियोलॉजी। तो हिटलर सोचता था वही पार्टी सोचती थी, वही पार्टी के मेंबर सोचते। तो ये हमने सारा बताना है पॉलिटिकल करियर। लास्ट में एक लाइन बताओगे इन 1932, ये वाली लाइन जरूर याद रखना कि 1932 में इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन द कंट्री एंड इन दीज इलेक्शंस 37% वोट्स, और 37 जो है वो टोटल वोट्स का 37% वोट्स वर गिवन टू नाजी पार्टी। एट दैट टाइम दिस वाज द मैक्सिमम, किसी भी पार्टी को आज तक इतने परसेंट वोट्स कभी नहीं मिले थे। 2% मिलते थे, 3% मिलते थे, 4% मिलते थे, बट नाजी पार्टी गॉट मैक्सिमम 37% वोट्स। तो दिस वाज अ विक्ट्री ऑफ द नाजी पार्टी। ये नाजी पार्टी की एंट्री थी पॉलिटिक्स में। और उसके बाद लास्ट में आपने बताना है पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर। पर्सनैलिटी को आप अगर इनमें से कोई भी पॉइंट भूल जाते तो पर्सनैलिटी को टू पार्ट में बता दो। एक को कर दो डायनेमिक पर्सनालिटी, एक को कर दो न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपको याद रहते हैं तो इसी को ही आप लास्ट पॉइंट बना दो। अब आपने डायनेमिक पर्सनालिटी में क्या बताना? इसमें आपने हिटलर की प्रेज, प्रेज और प्रेज करनी है, जो कि वो प्रेज करने लायक नहीं था। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, एनी डाउट बेटा?